हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मर ऑग्स। आज हम सीखने वाले हैं रिगार्डिंग साइज रिडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले तो वो पता होना चाहिए कि साइज रिडक्शन क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे है ये साइज और ये रिडक्शन, तो इसको हम समझते हैं। पहले साइज इट मीन्स इट इज वन टाइप ऑफ डायमेंशन, ठीक है, वन टाइप ऑफ द डायमेंशन। और रिडक्शन करना मतलब कि उसको स्मॉल करना है, ठीक है, इट मीन्स वी हैव टू मेक इट स्मॉल। तो साइज रिडक्शन क्या हुआ, डायमेंशन को स्मॉल करना है, ठीक है। डायमेंशन स्मॉल करना या फिर डायमेंशन को करना है रिड्यूस। रिड्यूस मतलब कि छोटा करना है, वी हैव टू रिड्यूस द साइज, ठीक है। अब नेक्स्ट ये है कि अब इसकी डेफिनेशन हम कैसे बनाएंगे। तो साइज रिडक्शन एक प्रोसेस है कि जिसके अंदर हम जो लार्ज साइज के पार्टिकल्स है, क्योंकि हमें क्या रिड्यूस करना है, ये ध्यान में रखना है कि डायमेंशन को हमें यहाँ पे रिड्यूस करना है। तो डायमेंशन रिड्यूस करने के लिए सबसे पहले हमें करना होगा कोई मैकेनिज्म हम यूज़ करेंगे, क्योंकि कोई लार्ज पार्टिकल से हमारे पास उसको हमें करना है स्मॉल, ठीक है। तो लार्ज को कर देना है स्मॉल, अलग शब्दों में हम कहें तो लार्जर पार्टिकल्स विल बी कन्वर्ट इन स्मॉलर, इट मीन्स साइज रिडक्शन, ठीक है। तो साइज रिडक्शन से क्या फायदा होगा, ठीक है। तो पहले तो साइज रिडक्शन हम करते हैं, तो साइज रिडक्शन से पहला फायदा जो होगा हमें वो है कि सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन सरफेस एरिया। जैसे साइज रिडक्शन करते हैं तो साइज रिडक्शन से सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज होता है तो ड्रग जो है हमारी उसका एब्सॉर्प्शन भी इंक्रीज होता है, और एब्सॉर्प्शन इंक्रीज होगा तो बायोबिलिटी भी हम उसको इंक्रीज करवा पाएंगे। सो साइज रिडक्शन करने से हमें बायोएबिलिटी मिलती है, बट वो भी कुछ लिमिट्स के दौरान होती है। ज़्यादा साइज रिडक्शन करने से फिर बायोएबिलिटी पे कुछ अफेक्ट नहीं पड़ता, वो कुछ लिमिट तक होते हैं। कुछ जस्ट माइक्रोनाइजेशन पे कोई लिमिट तक ही करना पड़ता है, साइज उसकी रिडक्शन कोई लिमिट तक होती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे रिगार्डिंग द मैकेनिज्म। मैकेनिज्म्स क्या है साइज रिडक्शन के, कि साइज रिडक्शन हम कैसे करेंगे। कोई भी चीज़ के साइज रिडक्शन करने तो सबसे पहले हमें तो क्या लगेगा, एनर्जी। बिना एनर्जी के हम कुछ कर सकते नहीं, ठीक है। तो एनर्जी हम अप्लाई करेंगे अलग अलग तरीकों से, ठीक है। तो एनर्जी कोई बार हम समझो कि कोई प्रेशर डालते हैं कोई चीज़ पे, या फिर उसको कट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज समझे कि उसके ऊपर रोलिंग करते हैं। तो दीज आर द मेन मैकेनिज्म, कोई प्रेशर अप्लाई किया, कटिंग किया, रोलिंग किया, या फिर उसको ग्राइंड करते हैं हम, ठीक है। तो ये चार मैकेनिज्म हो गई साइज रिडक्शन की। तो हम उसको अलग तरीके से देखेंगे, तो कट करते हैं उस पर से मैकेनिज्म हो जाती है उसकी एक कटिंग, ठीक है। फिर जो प्रेशर अप्लाई करता है उसके ऊपर से मैकेनिज्म है कंप्रेशन, कटिंग, कंप्रेशन। उसके बाद आएगा एक मैकेनिज्म है उसकी इम्पैक्ट। इम्पैक्ट इट मीन्स कोई चीज़ जो है दूसरी चीज़ के साथ क्या बोलते हैं उसको, एक दूसरे के साथ वो अटैच होता है, ऐसे
एक दूसरे के साथ अथड़ाते हैं, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम इम्पैक्ट होना। कि समझो कि ये चौक, कोई चौक है, उसको हम दीवार पे डालते हैं, मारते हैं, तो वो टूट जाएगा, ठीक है, तो उसके बोलेंगे इम्पैक्ट। फिर समझो कि कोई पत्थर है, स्टोन, स्टोन के ऊपर हम हैमर्स जो है कंटिन्यूसली अप्लाई करते जाएंगे, तो क्या होगा, रिजल्टिंग जो स्टोन होगा वो टूट जाएगा, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म हो गई इम्पैक्ट। कॉम्प्रेशन में क्या होगा कि ये समझो कि ये दो एक रोलर लिए हैं, उसके बीच में हमने कोई मटेरियल डाला, तो क्या होगा, वो मटेरियल जो है वो कॉम्प्रेस होगा और उसके कारण वो लार्ज में से स्मॉल में होगा। फिर समझो क्योंकि वेजिटेबल ड्रग्स है, समझो कि हमारे पास है जिंजर, जिंजर को हम कट करते हैं बाय यूजिंग नाइफ, तो वो भी उसका लार्ज में से स्मॉल साइज कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये होगा कटिंग, कॉम्प्रेशन, इम्पैक्ट, और दूसरा एक होगा एट्रिशन। एट्रिशन, एट्रिशन में हम क्या करेंगे, एट्रिशन में ये होता है रोलिंग वाला, कि मटेरियल्स जो है एक दूसरे पे ऐसे रोल होते हैं, ठीक है, तो मटेरियल और समझो कि कुछ इसके साथ हम ऐसे कुछ रखते हैं कि हार्ड बॉल है हमारे पास मेटल के बने हुए, आगे आपकी एक ड्रग आएगी, एक मिल आएगी, बॉल मिल, उसमें हम देखेंगे, ठीक है, कि बॉल मिल में क्या होता है, मटेरियल जो है वो बॉल के साथ एट्रिशन होता है, इम्पैक्ट भी होता है और एट्रिशन, और उसके कारण उसका हो जाता है साइज रिडक्शन, ठीक है। ओके, तो हम ये हद तक रखते हैं कि मैकेनिज्म हो गई साइज रिडक्शन, उसका कॉन्सेप्ट आपका एक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द साइज रिडक्शन, कि कौन से फैक्टर साइज रिडक्शन पे अफेक्ट करता है, फिर उसके थियरी कौन सी है, कि जो हम यहाँ पे एनर्जी जो अप्लाई कर रहे हैं वो एनर्जी किस फॉर्म में यूज़ होंगी, ठीक है। तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस जो है हम आपके लिए अपलोड करते रहेंगे। ओके, थैंक यू।